हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो चलिए क्लास को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस की शुरुआत के साथ में। सो, जो भी क्लास से जुड़ रहे हैं एक बार जल्दी से शेयर करना क्लास में एंड आपने लाइक भी करना है। और डेली की तरह जैसे कि हम लोग डेली अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, वैसे ही आज भी हम लोग कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए करें शुरू हम लोग जल्दी से, चलिए करते हैं, आंसर करना शुरू कीजिएगा। सो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल डैश होता है। यदि हम एक लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितना होता है बताएंगे। साथ ही आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि लोकसभा की स्थापना कब की गई थी, वर्तमान समय में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है। आंसर करके बताएंगे यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कितना होता है, कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। इसकी स्थापना कब की गई है, अप्रैल 1952 में, है ना, अप्रैल 1952 में स्थापना की गई है। और वर्तमान समय में बात करें तो कौन है, ओम बिरला। सबसे पहले महिला स्पीकर कौन रही है, सबसे पहली महिला स्पीकर कौन रही है यहाँ पर, मीरा कुमार यहाँ पर रही है, ठीक है। देन सबसे पहले व्यक्ति की बात करें तो जीवी मावलंकर सबसे पहले व्यक्ति रहे हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, मतलब कि स्पीकर। देन नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई लद्दाख किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब कि लद्दाख के लिए कौन सा उच्च न्यायालय लगता है, यह आपने बताना है। इसके साथ ही हम लोग लद्दाख की बात करें तो लद्दाख हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। यह जम्मू कश्मीर से अलग होकर के भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद विश्व में सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी मोटरेबल सड़क कहाँ है, वह लद्दाख में ही है, पैंगोंग लेक है यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क भी यहाँ पर ही है। और कौन सा लगता है, जम्मू कश्मीर का जो हाईकोर्ट है वहीं इसके लिए हाईकोर्ट लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन, किसकी आत्मकथा का शीर्षक है आई एम नॉट मसीहा। तो बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको हम लोग, क्या हो जाएगा, सोनू सूद, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर एंड एक सोशल वर्कर हैं, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट है कि रतुजा भोसले किस खेल से संबंधित हैं। एक खिलाड़ी का नाम आपको यहाँ पर दिया गया है, आपने बताना है कि वह किस खेल से संबंधित है। आंसर कीजिएगा, क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा, चलिए बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर भाई हमारा यहाँ पर रहेगा। बताएंगे क्या आंसर यहाँ पे अपना रहेगा। चलिए बात करते क्या हो जाएगा, टेनिस, क्या हो जाएगा, टेनिस। यदि हम टेनिस की भारत के कुछ खिलाड़ियों की बात करें, है ना, जैसे कि यहाँ पे सानिया मिर्जा है ना, इनको जाना जाता है, सानिया मिर्जा को यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद लिएंडर पेस को जाना जाता है, लिएंडर पेस को, जिन्होंने की तृणमूल पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है। देन थर्ड महेश भूपति, लारा दत्ता के हस्बैंड महेश भूपति, और भारत से पहले व्यक्ति जिन्होंने की ग्रैंड स्लैम को यहाँ पर खेला हुआ है, है ना। और अंकिता रैना और भी काफ़ी खिलाड़ी हैं ETC जो कि टेनिस से बिलोंग करते हैं, हमारे भारतीय मूल के हैं, ठीक है। चले द नेक्स्ट, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बताएंगे आप लोग कि भाईचुंग भूटिया निम्नलिखित खेलों और राज्यों में से किससे संबंधित है। भाईचुंग भूटिया किस खेल से और किस राज्य से यह संबंधित है। खेल के साथ साथ में आपको राज्य का नाम भी दिया गया है, तो बताना है आप लोगों ने कि क्या आपका आंसर भाई यहाँ पर हमारा रहेगा। बताएंगे क्या आंसर भाई आपका यहाँ पर हमारा रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फुटबॉल और सिक्किम, है ना, फुटबॉल गेम से यह बिलोंग करते हैं और सिक्किम राज्य से हैं, फुटबॉल से यह बिलोंग करते हैं और कहाँ से हैं, सिक्किम राज्य से हैं।
देन नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में एक डॉक यार्ड पाया गया है, किस में एक डॉक यार्ड पाया गया है। डॉक यार्ड बोले तो मतलब लाइक का बंदरगाह है ना, पाया गया है। सबसे पहले हम लोग डॉकयार्ड की बात करते हैं तो जहाज बनाने वाला स्थान, जहाज बनाने वाला स्थान डॉकयार्ड होता है और कहाँ पर, लोथल में। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है याद रखिएगा। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। यदि इसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान वाले एरिया में है। कालीबंगा की बात करेंगे तो कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए देन आगे बढ़ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट है अपना यहाँ पर कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है, इसमें से कौन सी झील है जो कि केरल में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा। जो कि केरल में स्थित है बताएंगे, जो कि केरल में स्थित है यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा। कौन सी यहां पर झील आपका आंसर रहेगा। चलिए देखो सबसे पहले कोलेरू झील की बात करेंगे, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य की यह है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है मतलब कि ताजे पानी की झील यह है आंध्र प्रदेश की। चिलिका झील की बात करेंगे सो इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ना, मतलब कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील यह है। कहां पर है, यह है उड़ीसा राज्य में, कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। वेमनाड की बात करते हैं, कहां पर है वेमनाड, वेमनाड की बात करेंगे तो भाई यह है, चलिए वेमनाड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी, यह है केरल राज्य में, केरल राज्य में है। और भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील यह है, ठीक है। इसकी बात करेंगे 96.5 किलोमीटर की लंबाई है ना, 9.5 किलोमीटर की लंबाई है याद रखिएगा। और यहाँ पर ही नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट है लोकटक झील। यदि हम अपने नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में बात करें, राज्यों में सबसे लंबी झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यह है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है यह है आपका मणिपुर में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील में ही है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बताएंगे आप लोग कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताएंगे आप लोग। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहां पर कौन थे बताएंगे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहां पर कौन थे, कौन थे, बी आर अंबेडकर, ठीक है याद रखिएगा। बी आर अंबेडकर यहां पर रहे हैं, जिन्हें की फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब कि संविधान के जनक इनको कहा जाता है, संविधान के जनक, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आ जाएगा कि भाई लोधी वंश की स्थापना किसने की थी बताएंगे, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, आंसर कीजिएगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी बताएंगे, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, बहलोल लोधी ने, ठीक है। इब्राहिम लोधी की बात करें तो यह अंतिम शासक रहा है,
अंतिम शासक कैसे, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को ही 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया था और फिर उसने मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए द नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, बताएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, पहले गवर्नर जनरल यहां पर कौन बने, आंसर कीजिएगा। यहाँ पर कौन बने थे यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी की बात करें तो यह पहले स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन, सी राजगोपालाचारी, और इन्हें 1954 में ही भारत रत्न दिया गया था। याद है, भारत रत्न सबसे पहली बार जो कि तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया था उनमें से एक थे सी राजगोपालाचारी। द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि समय का सही क्रम चुनिए यहाँ पर। ये ना जीके वाली रीजनिंग है, बताएंगे, जो कि इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है आप लोगों ने, बताएंगे क्या हो जाएगा। देखो बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, जो कि आपको सेकंड, घंटा, वर्ष, महीने दिया गया है। सबसे पहले आ जाता है सेकंड, सेकंड के बाद आता है मिनट, है ना, मिनट के बाद आता है आवर, आवर किस में आएगा फिर, वीक में। ठीक है, वीक के बाद आ जाएगा मंथ, और मंथ किस में आएगा, ईयर में, मंथ किस में आएगा, ईयर में आएगा। चलिए तो देखते हैं किस में क्रम है, सेकंड दिन नहीं होगा, घंटा नहीं होगा, मिनट है, और ये भी दिन वाला, ये वाला होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना और वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, आगे बताएंगे आईपीएल 2020 ऑरेंज कैप किसने जीती, बताएंगे 2020 में किसने जीती थी, बताएंगे। किसने यहां पर जीती थी, इसके बारे में आप लोगों ने यहां पे बताया, किसने जीती थी ए बी डिविलियर्स ने जीती थी। और यदि मैं बात करूं 2021 की आईपीएल 2021 ऑरेंज कैप की बात करूं, ऑरेंज कैप, तो ये किसने जीती है, ये किसने जीती है, बताइए जल्दी से, किसने जीती है, ऋतुराज गायकवाड़े ने जीती है। ठीक है, ध्यान रखिए, ऋतुराज गायकवाड़े ने जीती है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम से यहां पर है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बताएंगे आप लोग, चलिए बताएंगे इसके बारे में कि नवंबर 2020 में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का अनावरण किसने किया, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह, किसने किया था, निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री यहाँ पर हैं, इन्होंने किया था। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, चलिए बताएंगे यहाँ पे आंसर करके क्या आपका आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, बद्रुद्दीन तैयब जी,
कौन रहे हैं? बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि झरिया झारखंड के लिए प्रसिद्ध है, है ना। यह झरिया जो कि झारखंड में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आप लोगों को बताना है। किसके उत्पादन के लिए? खेल का सामान, तांबे की खदानें, कोयला खानों या फिर सोने की खाने, किसके लिए फेमस है बताना है, आंसर कीजिएगा। यह किसके लिए फेमस है बताएंगे, किसके लिए यह फेमस है, किसके लिए यह फेमस है? यह कोयले के उत्पादन के लिए, किसके लिए? कोयले के उत्पादन के लिए यह फेमस है, याद रखिएगा। भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा जो कि उत्पादन है वह कहाँ पर होता है? वह झारखंड राज्य में ही होता है, ठीक है। चलिए, नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बताएंगे। नागालैंड के फॉर्मेशन की बात की जाए तो 1 दिसंबर 1963 में यह भारत का राज्य बना था। कोहिमा इसकी राजधानी है, कोहिमा इसकी राजधानी है। ऑफिशियल भाषा यहाँ की इंग्लिश है, क्या है? इंग्लिश है। और मेन फेस्टिवल यहाँ का हॉर्नबिल है, मेन फेस्टिवल कौन सा है यहाँ का? हॉर्नबिल यहाँ का मेन फेस्टिवल है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आगे बताएंगे किसके साथ में साझा करता है, म्यांमार के साथ में। यह सिर्फ एक ही देश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो कि कौन सा है? म्यांमार। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया बताएंगे। किसको दिया गया था भौगोलिक, जो कि मतलब यहाँ पर यह आपका है, क्या है? तेजपुर लीची। तेजपुर लीची यह है किस राज्य की है बताएंगे। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से, बहुत सही। चले क्या हो जाएगा? असम राज्य से यह संबंधित है। देन नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन राकेश शर्मा के बारे में सच है। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन होगा क्योंकि हम लोग सेकंड से थर्ड स्टैंडर्ड में ही इनके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि हम इनकी बात करें तो यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय यह है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 2020 में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था। बाकी यह आपका हर वर्ष मनाया जाता है, तो भाई यह किस दिन मनाया जाता है हर वर्ष बताएंगे। किस दिन यह मनाया जाता है? 13 नवंबर को, 13 नवंबर को यह हर वर्ष मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग। द नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन अगला कि हाल ही में खबरों में देखा गया एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हागिया सोफिया कहाँ स्थित है। हागिया सोफिया जिसे कि एक मस्जिद बना दिया गया है, यह कहाँ पर है? तुर्की में है, जो कि काफ़ी न्यूज़ में यह रहा है 2020 में। चलिए, द नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भाई नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बताएंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष बताएंगे। वैसे तो क्वेश्चन काफी आसान है आप लोगों का, नीति आयोग का बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से ना पूछा जाता है तो इसलिए आपने ये याद हो जाना चाहिए अच्छे से। 1 जनवरी 2015 में, है ना, इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की जगह, योजना आयोग की जगह पर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। इसके वर्तमान समय में उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, ठीक है। यहीं पर ही हम लोग अरविंद पनगड़िया की बात करेंगे तो सबसे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? अरविंद पनगड़िया रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है ये वाला पॉइंट भी। देन उसके बाद यहाँ के सीईओ की बात करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे तो वह कौन है? अमिताभ कांत है, ठीक है, आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे
कि 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, और यदि मैं 2021 के लिए बात करूं तो यह किसने जीता है? 2020 और 2021 बताएंगे, किसने जीता है? बताएंगे किसने जीता? चलिए 2020 की बात करेंगे तो लुईस ग्लक ने जीता है, और 2021 की बात करेंगे तो अब्दुल्ला रजाक गुरनाहा ने जीता है 2021 का साहित्य में क्या जीता है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है, याद रखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले व्यक्ति यहाँ पर कौन थे? चलिए, सबसे पहले व्यक्ति भाई यहाँ पर कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, और विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन भी किया था, जो कि इन्होंने 1951 में पोचमपल्ली नामक गांव में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि भाई पाक जल डमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? चलिए बताएंगे, पाक जल डमरू से कौन से देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं? पाक स्टेट के थ्रू ही हम लोग उस देश से अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं, और यह क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? भारत और श्रीलंका। ठीक है, एक हम लोग जलीय सीमा साझा करते हैं मालदीव से, और मालदीव से किसके थ्रू करते हैं हम लोग? यहाँ पर आपका आठ डिग्री चैनल से शेयर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, आगे बताएंगे क्या आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, बताएंगे। बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं? किसके हैं गूगल बाबा के। द नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, इब्न बतूता भारत से आया था, कहाँ से आया था, और इसकी कौन सी वह ऐतिहासिक बुक है जिसके बारे में अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, यह भी बताएंगे। और एक और पॉइंट यहाँ पर, किसके शासनकाल में यह आया था। चलिए बात करते हैं कहाँ से था, यह मोरक्को से था जो कि भारत में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह आया था। एंड बुक की बात करेंगे तो कौन सी है? रेहला। ठीक है, रेहला इसकी बुक है जिसके बारे में बहुत 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 बार पूछा जाता है आप लोगों से, याद रखना इसमें। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए सिखों के तीसरे गुरु यहां पर कौन से थे? बताएंगे यहां पे क्या आपका आंसर रहेगा? चलिए आंसर कीजिएगा भाई यहां पे क्या आपका आंसर हमारा रहेगा। चलिए एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं आप लोग को सभी यहाँ पे गुरु के नाम लिखा देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इजीली आंसर कर पाए। सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव के द्वारा स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, देन दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहे हैं गुरु अंगद देव। ठीक है, नहीं है। देन थर्ड नंबर की बात करेंगे गुरु रामदास। ठीक है, चलिए देन फोर्थ की बात करेंगे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, देन ये अपना फोर्थ है और ये फिफ्थ है ना।
द नेक्स्ट है अपना सिक्स यहाँ पे हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद सिंह यहाँ पर है, ठीक है। देन सेवंथ नंबर है आपका गुरु हर राय, ठीक है। देन एट्थ नंबर पर गुरु 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 हर किशव, ठीक है। देन आपका एट्थ नंबर पर कौन से हैं, गुरु हर किशन किशन साहिब, गुरु हर किशन साहिब है, ठीक है। चलिए देन नाइन्थ नंबर पर आ जाते हैं कौन से यहाँ पर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। और दसवें गुरु कौन से हैं, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद है, गुरु गोविंद, ठीक है। कभी कभी आपसे नंबरिंग पूछ ली जाती है ना, तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा, दस के बारे में। चलिए तो आंसर की बात करते हैं, थर्ड नंबर के गुरु आपसे पूछे गए थे, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा गया था यहाँ पे, थर्ड नंबर के ना अमर होगा, रुको रुको, ये होगा ना आपका गुरु अमरदास, तीसरे पूछे ना गुरु अंगद, तो दूसरे नंबर के हैं, सेकेंड नंबर के ये है, पांचवें नंबर के और ये है दसवें नंबर के। हाँ चलिए अब सही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना डी ऑप्शन आंसर रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना आंसर अपना रहेगा। चलिए सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि भाई कौन कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाला पहला भारतीय नौकरशाह बन गया, इकबाल सिंह चहल, आदित्य कुमार आनंद, संदीप सिंह या भुवन गुप्ता। याद रखना क्या हो जाएगा यहाँ पे, इकबाल सिंह, क्या हो जाएगा, इकबाल सिंह यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, आसान सा क्वेश्चन है। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे, सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले राष्ट्रपति की बात करेंगे, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर कौन से हैं, दूसरे नंबर पर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और थर्ड नंबर पर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। यह हमारे देश के सेकेंड नंबर के तो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेकेंड नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर थर्ड नंबर के यह प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भाई इसरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, इसरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है बताएंगे, किस शहर में स्थित है, कहां पर है, बेंगलुरु में, कहां पर है, बेंगलुरु में। तिरुवनंतपुरम में बात करेंगे तो क्या है यहाँ पर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। हरिकोटा की बात करेंगे, हरिकोटा में कौन सा है, हरिकोटा की बात करेंगे तो यहाँ पर है सतीश धवन अंतरिक्ष, मतलब कि स्पेस, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सेंटर, SDSC ये है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग कि भाई महाद्वीपों में, किस महाद्वीप में सबसे लंबी तटरेखा है बताएंगे, बताएंगे। देखो अफ्रीका की बात करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रखता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ यह रखता है, बाकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करेंगे एशिया में है, और एशिया ही सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एशिया ही आपका सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है। द नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताएंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, साथ ही यहाँ के अध्यक्ष भी आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर कीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑड्रे एजुले वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं, और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, पेरिस में, कहाँ पर है, पेरिस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष चुना गया था, बताएंगे चुना गया था,
कौन है वह है? कौन है यहाँ पर? विजय लक्ष्मी पंडित हैं, भारतीय मूल से विजय लक्ष्मी पंडित हैं, और यह सिक्स नंबर की अध्यक्ष चुनी गई थी, छठे नंबर की अध्यक्ष चुनी गई थी यह महासभा की, ठीक है। वर्तमान समय में कौन है महासभा का अध्यक्ष बताएंगे? वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में महासभा का अध्यक्ष कौन है? आंसर करके बताओ जल्दी से, कौन है? मालदीव के जो कि विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है यहां पर अब्दुल्लाह साहिदी नाम है ना इनका, सो अब्दुल्लाह साहिदी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देन आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन में कि भाई नो बॉल शब्द किससे संबंधित है? आंसर कीजिएगा, नो बॉल किससे संबंधित है यह आप लोगों ने बताना है, आंसर कीजिएगा। नो बॉल ये तो आप जानते ही होंगे, नो बॉल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिकेट, क्योंकि भाई हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो स्पोर्ट है वह है क्रिकेट, और जब कोई भी आप बॉल हिट नहीं हो पाती है, कोई रन नहीं ले पाते हैं, तो मतलब नो बॉल यहाँ पर। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा द नेक्स्ट अपना कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। भारत का सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, और कहाँ पर है यह? नई दिल्ली में है। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन अपना कि हाइड्रोलॉजी किस विज्ञान का अध्ययन है? किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है हाइड्रोलॉजी? बताएंगे किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है हाइड्रोलॉजी? बताएंगे किसको कहा जाता है यहां पर हाइड्रोलॉजी? वाटर, जल, बल्कि हम बात करें तो ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता। चलिए द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आगे क्वेश्चन है आपका कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए मात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताएंगे? आंसर कीजिएगा, कितनी हो सकती है मैक्सिमम एज? बताएंगे कितनी यहां पर होनी चाहिए? कितनी यहां पर? 10 वर्ष, कितनी? 10 वर्ष, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पे अगला, आंसर कीजिएंगे कि भाई किसने पटियाला में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कोचिंग में पुनः डिजाइन किए गए डिप्लोमा कोर्स का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया? किसने किया था बताएंगे? किसने यहां पर किया था आंसर करके बताना है, क्या आंसर यहां पे आपका रहेगा? बताएंगे यहां पे आपका आंसर भाई क्या यहां पे अपना रहेगा, क्या हो जाएगा यहां पे? किरण रिजू यहां पे आपका रहेगा आंसर। चलिए द नेक्स्ट है आपका यहां पर, ये स्किप कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए द नेक्स्ट है कि कमला हैरिस ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा? किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर के इतिहास रचा है ये है आप लोगों को बताना है, बताएंगे पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर के इतिहास रचा है? चलिए कौन है यहाँ पर? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, ठीक है, यह बनी है जहां पे कि जॉय बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और यह यूएसए के 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली है, और कमला हैरिस ने एज अ वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली है यहां पर,
ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देन नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बताएंगे क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, इसके बारे में आंसर करके बताइएगा क्या क्वेश्चन का अपना आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा। क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस कमांड द्वारा बुल स्ट्राइक नामक एक विशेष त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। चलिए बताएंगे किसका यहाँ पर किया गया था अभ्यास का आयोजन, यहाँ पर आंसर कीजिएगा कहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर किया गया था त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास, अंडमान और निकोबार कमान या दक्षिण पश्चिमी कमान या उत्तरी कमान या फिर दक्षिणी कमान, किसके साथ में यहाँ पर किया गया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, अंडमान और निकोबार कमान के साथ। द नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन एक और यहाँ पे कि भाई वायु की नमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था, देखते हैं आप लोग कितना यहाँ पर पहचान पाते हैं। आंसर कीजिएगा क्या रहेगा आपका, क्या आंसर आपका यहां पर रहेगा, यह है आप लोगों ने बताना है, आंसर कीजिएगा क्या रहेगा। हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी अपना आंसर यहाँ पे अपना रहेगा, आर्द्रता मापी, क्योंकि आर्द्रता को ही तो वह माप रहा है ना। चलिए द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को अपने खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है, किस राज्य ने इनको यहाँ पर नियुक्त किया है, यह आप लोगों ने बताना है, किस राज्य ने इनको यहाँ पर नियुक्त किया है बताइएगा, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को अपने खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है, हरियाणा राज्य से, यह हरियाणा से बिलोंग करती हैं और हरियाणा राज्य ने इन्हें नियुक्त किया है। चलिए द नेक्स्ट अपना आ जाता है यहाँ पर कि 20 अगस्त के रूप में क्या मनाया जाता है, बताएंगे यहाँ पे क्या आपका आंसर रहेगा, कौन सा यहाँ पर आपका मनाया जाता है, ये लीजिए आंसर करके बताएंगे, सद्भावना दिवस, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सद्भावना दिवस है ना, गुडविल डे आपका मनाया जाता है। अर्थ डे की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को यह मनाया जाता है। तंबाकू की बात करेंगे तो एंटी टबैको डे आपका मनाया जाता है क्या यहाँ पर आपका, 31 मई को। और हाँ 7 अगस्त को याद रखना, 7 अगस्त को जावलिन थ्रो मतलब कि भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखना, ये भाला फेंक दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि भाई IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है, यह किससे संबंधित है, यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा, यह केवल लुप्त प्राय पशु प्रजाति और संवेदनशील संरक्षित क्षेत्र से संबंधित है, केवल नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षित क्षेत्र से यह संबंधित है, केवल लुप्त प्राय पौधों और जानवरों से यह संबंधित है, लुप्त प्राय पौधों जानवरों और नाजुक पारिस्थितिकियों से यह संबंधित है, नहीं, यह आपका किससे, पौधों और जानवरों से यह संबंधित है ना कि नाजुक परिस्थितियों से यह संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। द नेक्स्ट है हमारा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हो गया फिर से, इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ, पुराना क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, चलिए सो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न अब तक केवल 2 विदेशियों को प्रदान किया गया है, उनमें से एक तो है नेल्सन मंडेला, दूसरे कौन है, नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था और नेल्सन मंडेला की बात करेंगे वॉक टू फ्रीडम इनकी बुक है, अपनी मैक्सिमम उम्र इनकी जेल में बीती है
जो कि इन्होंने भेदभाव को खत्म करने के लिए आवाज उठाई थी, और साउथ अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति यह बने हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए बताएंगे यहाँ पे कौन रहे हैं। खान अब्दुल गफार। खान अब्दुल गफार को 1987 में दिया गया था, और भारत से सबसे पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफार जिन्हें की भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, और हम लोग बात करते हैं तो इन्हें बादशाह खां भी कहा जाता है। चलिए द नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि इनमें से कौन सा एक इंडोर खेल नहीं है, बताएंगे कौन सा एक इंडोर खेल नहीं है, कौन सा एक इंडोर खेल नहीं है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखो शतरंज है, कमरे में बैठ करके खेल सकते हो अंदर। वार्तालाप, भाई ये दो आप लोग मतलब हो जाएंगी गुफ्तगु। द नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर गेमिंग मतलब क्रीड़ा आप खेल रहे हैं, गेमिंग खेल रहे हैं, आप बैठे हुए बॉल फेंक रहे हैं, मतलब आप खेल सकते हैं। ठीक है, जो ट्रैकिंग होता है, जो पहाड़ों पे जो कि ट्रैकिंग की जाती है, वह आप लोग घर में थोड़ी ना कर सकते हैं, ट्रैकिंग तो बाहर की जाएगी ना। और वैली ऑफ फ्लावर, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर है, अपनी ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। वैली ऑफ फ्लावर को देखने का जो जितना आनंद है ना, उतना ही आनंद है वहाँ पर ट्रैकिंग करने का। ट्रैकिंग मतलब कि आप पैदल ही ग्रुप में, बल्कि अकेले से ज़्यादा अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, एक से भले दो और दो से भले चार, तो बातें करते हुए चलिए, चाय पीते हुए और मैगी खाते हुए चलिए, ट्रैकिंग कर दी तो मज़ा आता है। द नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है ना, लगभग 6600 किलोमीटर यह बहती है, 6500 के आसपास ही है। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका से यह निकलती है, अफ्रीका की विक्टोरिया झील से, अफ्रीका की विक्टोरिया झील से। और ये जो विक्टोरिया झील है ना, यह तीन देशों में फैली हुई है, एक तो तंजानिया, एक युगांडा। ठीक है, यहाँ पे यह फैली हुई है झील, याद रखिएगा। द नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे आंसर कीजिएगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताएंगे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ठीक है, जो कि हिस्सा तो है यह आपका, जो कि नॉर्थ अमेरिका है, हिस्सा तो है यह इसका, लेकिन इस पर जो कि प्रशासनिक अधिकार है, यहाँ का जो कि प्रशासनिक अधिकार है वह किसका है, डेनमार्क का है, किसका है, डेनमार्क। अच्छा, इसकी राजधानी आप बताओ कि किस कौन सी है, कैपिटल बताएंगे, इसकी कैपिटल कौन सी है, जरा आंसर कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन चेंज करेंगे। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल जरा बताओ, कैपिटल बताइए जरा, ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है, नुक। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नुक इसकी राजधानी। ठीक है, चलिए देन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में, आगे आंसर कीजिएगा कि भाई तो क्वेश्चन है कि डेमोक्रेट जो बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश राष्ट्रपति बन गए, कौन से नंबर के राष्ट्रपति, कमला हैरिस यहाँ पर पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन बिलोंग करते हैं, यह है 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। द नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीटी शब्द का अर्थ क्या है, बताएंगे भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीटी शब्द का अर्थ क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए देन नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनटोल्ड वर्ल्ड, अनइंस्टॉल्ड वर्ल्ड, यह किसकी बुक है, किसकी बुक है, बताएंगे यहां पे आंसर करके, किसकी यह बुक है,
किसकी यह बुक है, किसकी है यह? जयशंकर की, यह एस जयशंकर की बुक है, याद रखिएगा, यह एस जयशंकर की बुक है। द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन अगला कि भाई भारत के पहले विमान वाहक का नाम बताइए, भारत के पहले विमान वाहक, विमान वाहक कौन सा हो जाएगा? INS हिमगिरी है, कौन सा है यहाँ पर? INS हिमगिरी है। चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि तेनाली राम कृष्ण किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे, यह किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे बताएंगे, यह किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी यहां पर थे बताएंगे, किसके थे यहां पे? इनकी बात करते हैं कृष्णदेव राय, किसके थे? कृष्णदेव राय के यह रहे हैं। चलिए सोमनाथ मंदिर किस किस राज्य के तट पर यह स्थित है, ठीक है चलिए बताएंगे आंसर करके, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है यह आप लोगों ने बताना है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, किस पर स्थित है? यह है कहां पर? गुजरात में। भारत में जो कि 12 ज्योतिर्लिंग है यह उनमें से एक है जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई यहां पे बात करेंगे कि सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है बताएंगे, पीस टाइम की बात की गई है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है बताएंगे, कौन सा है आंसर कीजिएगा, हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री कौन सा पुरस्कार है, यह है अशोक, ठीक है। वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला हाईएस्ट जो कि पुरस्कार है वह तो है कौन सा, परमवीर चक्र है, लेकिन यदि हम शांति के समय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा अशोक चक्र, ठीक है ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, ठीक है 1952 में, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, 1952 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था और अभी तक यह है 86 पुरस्कार यहाँ पर दिए जा चुके हैं, ठीक है याद रखिएगा 86 पुरस्कार यहाँ पर दिए जा चुके हैं, क्लियर है। 2021 में यह बाबूराम को दिया गया था, वह जम्मू कश्मीर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे बाबूराम, ठीक है क्या थे वह? जम्मू कश्मीर पुलिस में एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, उनको दिया गया है 2021 में अशोक शांति काल वीरता के लिए पुरस्कार, क्लियर है यहाँ पे याद रहेगा आप लोगों को। बाकी 1952 में बात करें तो नायक और हवलदार को दिया गया था, ठीक है यहाँ पर एक नायक को और एक हवलदार को दिया गया था। चले द नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देशों का सदस्य नहीं है, सार्क की बात करेंगे 1985 में इसकी स्थापना की गई है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है, कहां पर? काठमांडू में इसका मुख्यालय है। एंड इसके यदि हम बात करते हैं तो 8 देश इसके परमानेंट सदस्य हैं, 8 देश इसके परमानेंट सदस्य हैं, इराक इसके सदस्यों में नहीं आता, ठीक है नेपाल है, पाकिस्तान है, भारत है, क्या हो जाएगा यहां पर? नेपाल है, भारत है ना, नेपाल है, भारत है, बांग्लादेश है और भूटान है, भारत है, 6 तो ये हो गए हमारे, दो अपने कौन कौन से हैं? मालदीव है और मालदीव है अपना और अफगानिस्तान भी है और मालदीव भी है, तो टोटल हो गए ना 8, 5 ये रहे और 3 जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, सो टोटल कितने हो गए यहाँ पर आपके, यह हो गए, ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, सो होप्स की चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो गई होंगी, क्वेश्चंस को कीजिएगा
एंड नोट्स बनाइएगा, ठीक है, नोट्स भी आपको बनाना है और इनको अच्छे से रिवीजन करना है। वैसे खैर मैं भी क्लासेस का रिवीजन कराती रहती हूँ, क्योंकि देखो स्टैटिक जी के सारी फैक्ट वाली चीज़ें हैं, एकदम से आपको याद नहीं होती हैं, ठीक है, एकदम से आपको याद नहीं होती हैं, तो रिवीजन तो हमें करना ही होता है। तो अच्छे से पढ़िए, बाकी रेगुलर पढ़ते रहिए, जब तक कि, वैसे मैं तो कहूँगी कि जॉब के बाद भी पढ़ना, क्योंकि यदि आपको समय के साथ में चलना है, ठीक है, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी होता है, और अपडेट तभी होंगे जब आप आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे। सो हमेशा ज्ञान को विकसित करते रहिए, ठीक है। चलिए क्लास ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग अपनी लाइव क्लास में। सो थैंक यू, बल्कि जिनको क्लास अच्छी लगी है लाइक करना है आप लोगों ने, ऑफलाइन कमेंट करके भी मुझे बताना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद जय भारत।